हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द स्पीडी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। बहुत इजी वे से पढ़ना है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, सॉल्व एंड चेक रिजल्ट, ये मीन्स हल करिए और उत्तर की जांच लीजिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी होगा तो सबसे पहले राइट करेंगे सॉल्यूशन, राइट करेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद जो हमको इक्वेशन दिया होगा वो इक्वेशन राइट कर लेंगे। तो 3x इक्वल 2x प्लस 18 राइट कर लिया। हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हमेशा वेरिएबल को एक साइड कर लीजिएगा और नंबर्स को एक साइड कर लीजिएगा। अब वेरिएबल, अब कैसे जानोगे कि वेरिएबल है? अब आप वेट, यानी ए से लेके जेड तक कोई भी नंबर होगा वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल, सॉरी ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट होगा तो वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अगर किसी नंबर के साथ भी वो है तो जान लेंगे वो वेरिएबल का टर्म है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x है, मीन्स ये वेरिएबल है, ये इक्वल के इस साइड ही है ना, और यहाँ पर x है ये 2 के साथ है, फिर भी ये क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, x आ गया। तो इसको हमें किस साइड ले जाना है, इक्वल के इस साइड ले आना है, मीन्स ये हो जाएगा 3x, ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x इक्वल इक्वल 18। अब 3x माइनस 2x करिए मतलब 3 रुपए थे आपके पास, आप 2 रुपए खर्च करके आए हैं, आपके पास 3 रुपए थे, आपके पापा ने दिया था और आप 2 रुपए के क्या कोई सामान खरीद लिए हैं, तो कितने रुपए 100 वाला रिटर्न करेगा आपको, 1 रुपए ना, 1 यस, और 1 हम राइट करें या ना करें, इक्वल इक्वल 18 है 18। ये तो हमारी वैल्यू हो गई x की, लेकिन सिर्फ हमें सॉल्व करना होता तो हम यहाँ पर कर देते, अब इसके ऐड करने जरूरत ना रहती, लेकिन हमें क्या कह रहा है, चेक रिजल्ट, अभी रिजल्ट भी चेक करना है, फिर हम क्या राइट करेंगे, चेक रिजल्ट्स। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, जो हमारा इक्वेशन था ये लिख लीजिए, तो 3x इक्वल 2x प्लस 18। अब हमें जहां पर x दिया गया है वहां पर हमें x की वैल्यू राइट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है, 18 है, लेकिन कोई भी टर्म इधर उधर नहीं करना, मीन्स अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 × x करेंगे तो ये इसी साइड रहेगा, और यहाँ पर अगर हम जो भी लिखेंगे यानी x की वैल्यू राइट करेंगे तो इधर ही, ये नहीं कि इसको इधर ले आएंगे, बिल्कुल नहीं, जैसे राइट किया गया ऐसे सॉल्व करना है हमें, इधर उधर कुछ मत करिए। अगर ये और ये यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती है, समझ लेंगे कि हमारा आंसर सही है, और इक्वल नहीं आते समझ लेंगे आंसर हमारा गलत है। तो 3 × x की वैल्यू क्या है, 18, फिर 2 × x की वैल्यू 18 प्लस 18। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अब इसको ऐड कर लीजिए, और अगर ये भी 54 आ जाता जान लीजिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, तो आंसर हमारा अच्छा हो गया। तो 8 × 6 = 14 कैरी 1 × 3 = 4 + 1 = 5 54 मींस क्या लिख लिया हम, हियर LHS इक्वल RHS, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पर, इसी का सेकेंड क्वेश्चन अब देखिए हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है 5t − 3 = 3t − 5 सॉल्यूशन। क्वेश्चन आया है ना, मैंने कहा था कि
सॉल्यूशन पहले राइट कर लीजिएगा, और अब जो इक्वेशन दिया ना वैसे ही सेम राइट करिए। 5t - 3 = 3t - 5 हो गया। अब मैंने कहा था जो वेरिएबल होगा वेरिएबल को एक साइड करेंगे, तो वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड करना है। यहाँ 5t है, मीन्स ये वेरिएबल है आपका, 5t राइट कर लीजिए। अब ये नंबर है ना, तो नंबर को किस साइड ले जाना है, इक्वल के उस साइड ले जाना है, तो इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। पहले भी रुक जाइए, इसको छोड़ दीजिए। ये 3t है, इसके सामने कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस है, तो प्लस 3t इधर लाएंगे तो माइनस 3t इक्वल -5 - -5 हो गया, -5 - -5। ये -3 इक्वल के इस साइड है, अब इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर कोई टर्म इधर माइनस में होता उधर ले जाते किस में जाता है, प्लस में जाता है, तो प्लस 3 हो गया। 5 में से 3 माइनस करिए, 2t हो गया इक्वल। अब -5 में +3, मैंने कहा था कभी भी अगर कोई टर्म माइनस में कोई प्लस में, तो हमेशा याद रखिए एक बार माइनस एक बार प्लस है तो हमेशा क्या किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब एक माइनस में एक प्लस में, प्लस माइनस माइनस होगा। 5 में से 3 को माइनस करिए, 2, और अब साइन कौन सा राइट करेंगे, मैंने कहा जो ज्यादा बड़ा हो, तब बताइए यहाँ माइनस माइनस के सामने 5 है और प्लस के सामने 3, 3 बड़ा होता है 5 ज्यादा होता है ना, तो माइनस 2 हो जाएगा, मीन्स टी इक्वल हो जाएगा -2, और ये 2 किसमें मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स टी इक्वल 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी क्या आ गया -1 आ गया, है ना। अब क्या राइट करेंगे, चेक रिजल्ट्स, क्या राइट करेंगे, चेक रिजल्ट्स। तो रिजल्ट चेक करने के लिए मैंने कहा था इक्वेशन को राइट कर लीजिएगा सेम, 5t - 3 = 3t - 5, 5 × t की वैल्यू क्या आ रही है, -1 - 3 इक्वल 3 × t की वैल्यू क्या है, -1 और -5। अब 5 बन जा 5 और माइनस है तो माइनस हो जाएगा -3 इक्वल 3 बन जा 3 -5। अब माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हमेशा माइनस की, तो 5 और 3 8, माइनस 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 ही रहेगा, 5 3 8 माइनस, मींस अब क्या आ गया आपका, हियर LHS इक्वल RHS, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, इसको आपको घर पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम यही करना है जो भी मैंने किया है। क्वेश्चन 3 है आपका, 5x + 9 इक्वल 5 + 3x, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है आपका, 4z + 3 इक्वल 6 + 2z, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 2x - 1 इक्वल 14 - x, ये आपका है होमवर्क, आपको इसे सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। कहीं कोई दिक्कत आएगी अगर किसी तरीके से प्रॉब्लम आती है होमवर्क में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर से उसको बता देंगे, ठीक है। लेकिन एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें लगता है जरूर सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और होमवर्क करते रहिए, और कुछ अपने मन से भी क्वेश्चन बनाकर आप कर सकते हैं। अगर आप अपने मन से भी क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे मैंने होमवर्क दिया इसको करने के बाद, आप कुछ क्वेश्चन अपने मन से बनाइए। अगर आप अपने मन से बनाने की बात सॉल्व करते हैं ना, तो कभी भी कि कोई भी कहीं पर भी आपको क्वेश्चन दे दे इस तरह से, आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।